अगर आप काइंड ये बेसिकली मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि ये कॉलर्स के लिए शायद बेनिफिशियल हो। कुछ जो आपको पता, मुझे पता आप लंडे के फिलोसफरों पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन उधर एक सवाल किया गया तो मैं उस सवाल को आंसर करना जरूरी समझता हूँ। एक हिसाब से कि उन वो ये करते क्या है, इनका तरीका है वारदात क्या है, ये करते हैं स्ट्रॉ मैनिंग और फिर ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक साहब उनके पास गए, उन्होंने एथियस्ट का, वो खुद तो एथियस्ट नहीं थे, उन्होंने अपने किसी दोस्त एग्नोस्टिक या एथियस्ट का सवाल ये रखा कि लोग कुरान पे एतराज करते हैं कि जी कुरान में आम का जिक्र नहीं है या कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज का जिक्र नहीं है जो उस इलाके की नहीं थी। तो उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रॉमैन करके ना कहो हो, ये क्या, अच्छा अगर आम का जिक्र होता तो क्या ये मुसलमान हो जाते। ये बात नहीं है, असल एतराज की बात ये है कि हम इसको एक, और कोई भी एतराज ऐसा नहीं होता कि एक ही एतराज सारी उसके लिए, बात ये है कि इमारत बनाई जाती है ईंट ईंट करके, मुख्तलिफ एतराज होते हैं, मुख्तलिफ एंगल से उसको कवर किया जाता है। तो मुकदमा इस एतराज का ये है बेसिकली कि कुरान का जो नॉलेज है, उसके अंदर जो चीजों का नॉलेज आया, खैमे का जिक्र है, खैमे लगे होंगे आसमान को टेंट की तरह, जमीन को मीख होगी। जन्नत में दरख्त, जन्नत में हाँ दरिया भी, दरियाए नील और दजला होगा। हाँ बिल्कुल, दरिया भी मिडिल ईस्ट के। तो पॉइंट उस, ये आम का, ये हमें आम, भाई हमें आम पसंद है, पाकिस्तानी आम बहुत मजेदार होता है, लेकिन इसका मकसद ये कोई तजीक या उस तरह नहीं है। पॉइंट उस पे, उसके पीछे जो जो पॉइंट है वो उसको स्ट्रॉमैन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे उन्होंने फिर दलील ये दी अपनी तरफ से, उन्होंने कहा देखें कुरान की ये है, वो जो मैंने आपको भेजी है ना हारिस, वो जरा दिखानी पड़ेंगी एक सेकंड के लिए। सूरह नूर की 45वीं आयत है, उसके अंदर दो पैरों पे चलने वाले जानवरों का जिक्र हो रहा है। तो कुरान तो जो है वो पेंगुइन्स की और कैंगरूज की बात कर रहा है, बंदा ला लितर लवे। तो ये देखें कि ये इसमें तफसीरों के अंदर उधर का मुशाहिदा ये था कि जो परिंदे, और परिंदे हैं जो कि दो टांगों पे चलते हैं, ये हमें नजर आता है। असल बात ये है कि हम उस चीज को दलील तब मानेंगे जब वो चीज गैर मुशाहिदे मामूली, से, मुशाहिदे से गायब होगी टोटली। ठीक है पेंगुइन्स और कैंगरूज भी चलते हैं दो टांगों पे, दैट्स फेयर इनफ, नहीं लेकिन चार, नहीं वो चार पे भी चलते हैं, हाँ चार मतलब पे भी चार, चलते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी चीज में इबहाम होगा तो फिर हम आपकी ये क्यों बात माने कि वो पेंगुइन्स का जिक्र हो रहा है। हम तो फिर ये देखेंगे कि क्या उधर कोई ऐसी चीज थी जो कि दो टांगों पर भी चलती थी, मसलन परिंदे। और ये मैंने आपको तीन तफसीरों के हवाले दिए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ मकातिबे फिक्र के हैं लोग, और उन्होंने इसको परिंदों से ही तशबीह दी है कि ये खुदा का, कुरान की सूरह नूर की 45वीं आयत, इसका वो मतलब उन्होंने। जी एडा एडा कैंगरू दा इन्हां नू पता सी, तो ये हाँ खुर वाले जो जानदारों को हलाल कह गए तो हाँ जी वो मसला कैसे हल होना था, क्योंकि कैंगरू के तो पोते हैं पंजे, उसके तो खुर होते नहीं है। इतना इनको जी अल्लाह मियां को पता था कि कैंगरू भी है। ये ऐसी बात है कि अगर मैं आपको कहूं कि बार बर्दारी के लिए ना लोग बार बर्दारी के लिए सवारी का इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल की जबान में वैन को भी सवारी कहा जाता, बस को भी सवारी कहा जाता, तो आप कहेंगे ओ उन्होंने वैन और बस का भी जिक्र कर दिया है, रख के पुठे आदि बंदा इन्होंने। वो भी तो है ना कि हमने हर चीज पेयर्स में पैदा की, हाँ वो वो भी तो है। लाता तो पॉइंट है। मैं वो बता दूं कि तफसीर इब्ने कसीर, इन्होंने दो दो जो टांगों पे चलते हैं उनको कहा कि ये परिंदे हैं। ठीक है तफसीर उस्मानी, ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी देवबंद के बहुत बड़े उलमा हैं, मुफ्ती यासिर से साहब से कहें ना कि इनको रद्द करें। इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा है दो दो टांगों वालों को, जैसे आदमी और तयूर, तयूर होते हैं परिंदे। ठीक हो जी। अच्छा तीसरी वाली मैंने आपको भेजी थी, वो थी तफसीर बयानुल कुरान, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, इनके अब्बा द जी, ग्रेटेस्ट, इनके बड़े अब्बा जी देवबंद फिरके के रूहानी तौर पे, ये कोई मैं हाँ तस्दीक नहीं कर रहा, मैं उनका सिर्फ मकाम बयान कर रहा हूँ, मौलाना अशरफ अली थानवी। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो पेट पे चलते हैं जैसे सांप और मछली, दूसरा उन्होंने किया है कि जो दो टांगों पे चलते हैं जैसे इंसान और परिंदे जबकि हवा में ना हो। ये क्लियरली लिखा हुआ है, अरे दिखा भी दें बल्कि अगर दिखा सकें, मौलाना तीसरी अशरफ अली आपने भेजी थानवी नहीं, साहब। आपने मुझे दो ही भेजी हैं नहीं, मैंने भेजी आपको, मैं अभी स्क्रीनशॉट्स, आपको, आपने दो ही भेजे हैं, हाँ चले मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, एक मिनट। जैसे सांप और मछली, जैसे इंसान और परिंदे, मछली हाँ हाँ यही वाली, यही वाली, ये अशरफ अली वाली, थानवी साहब की है। ये तो ये बंदा पूछे कि ये हमारे फिलोसफर साहब को ये अशरफ अली थानवी साहब से भी ज्यादा कुरान समझ आ गया। अंधों में काने राजे की बात कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल जैसे सांप और मछली, जैसे हाँ इंसान और परिंदे जबकि हवा हवा में ना हो, जैसे मवेशी। बेसिकली इस और आयत ये में कॉमन सेंस की बात है, और सर ये कॉमन सेंस की बात है। मैं आई विल अग्री विद
अशरफ अली थानवी, क्योंकि जाहिर बात है भाई ये इतने यार, इससे ये पता चलता है जो पुराने बाबा जी जो थे ना वो इतने मुनाफिक नहीं थे इस हिसाब से। खैर उनके चैलेंजेस ये नहीं थे उस वक्त, उनको लोग ये कहते नहीं थे कि कैंगरू किधर गया, पेंगुइन किधर गया। और मेरा 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 सिर्फ पॉइंट ये था कि जब आप ये दलील, असल मेरा मकसद क्या था इस बात करने का, वो ये था कि कैसे इनके आर्गुमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करना है। वो ये है कि अगर तो उस इलाके में कोई परिंदा या कोई भी ऐसा जानवर ना होता कि जो दो टांगों पे चढ़ता होता, ठीक है, जैसे परिंदे, जैसे कुछ भी, या बंदर भी, इवन बंदर भी चल लेते, हाँ, तो फिर तो उनकी इस दलील को माना जा सकता था कि कुरान ऐसी चीज की बात कर रहा है जिसका कुरान के ऑथर को या फिर उस इलाके में उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर एक चीज, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है, कैंगरू में भी कर सकती है, पेंगुइन्स में भी कर सकती है, उसमें भी कर सकती है, फिर आप इसको दलील नहीं बना सकते। तो ये है आपकी मकारी, ये है आपकी अयारी कि कैसे आप सादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से और अपने धीमे लहजे से। आपका धीमा लहजा हमें मरूब नहीं कर सकता, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई का रोब हम पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम आपके आर्गुमेंट्स को डीकंस्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं तो पाकिस्तान की पढ़ाई लिखाई को अब कुछ समझता भी नहीं हूं, I'm sorry to say that। नहीं चले, उन्होंने डिग्री बाहर से की हुई, खैर, लेकिन वो भी उन्होंने डिग्री भी वहां से की हुई जो काफी काफी नीचे है रेटिंग में यूके में। अच्छा यूके से की है, चले 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 जो भी, लेकिन मार्केटिंग एमबीए करने से, बीबीए करने से कोई बंदा फिलॉसफर तो नहीं ना बन जाता। उन्होंने पढ़े लिखे थे जब वो शुरू में बातें कर रहे थे, मैं तो फौरन मारूफ हो गया था उनसे। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं वो गॉड की, जब उन्होंने बात की, बट ही वाज स्मार्ट इनफ टू एक्चुअली एक्नॉलेज दैट, उन्होंने कहा मेडिसिन में इतनी उन्होंने पढ़ लिया लेकिन उन्होंने उसको नहीं पढ़ा उस चीज। ओके एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।